आज की वीडियो में आप लोगों को जो ट्रैक सिखाने वाला हूँ, अभी तक यूट्यूब पर ये ट्रैक किसी ने नहीं बता दिया, ठीक है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक एंड पीट पाट हो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया तो फिर आप लोग अपना डिसेबल अकाउंट कैसे रिकवर करना है। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू ट्रैक रिव्यू करके सिखाने वाला हो, और यह ट्रैक अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बता दिया। तो ये कौन सा ट्रैक है आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हो, तो इसलिए आप लोग वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर देना। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये रिक्वेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपका कोई खर्चा कोई पैसा नहीं लगेगा और हमारा काफी हौसला अफजाई हो जाएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर टेक्निकल माहौल इस चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वाला बेल आइकन को ऑल पे भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलेगा। तो चलते बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना, और फिर इसमें आप लोग अपना डिसेबल अकाउंट भी लॉगिन करो। मैंने पहले से अकाउंट लॉगिन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा यूर अकाउंट हैज बीन डिसेबल, और नीचे यहाँ पर इस अकाउंट में गो टू हेल्प सेंटर वाला ऑप्शन आया हुआ है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन आता है जैसे कि गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाला, तो फिर भी आप लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह डिसेबल अकाउंट कैसे रिकवर हो जाएगा आगे इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सिखाने वाला हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ जाना, और फिर आप लोग अपना मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर देना। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद फिर सर्च बार में आप लोग टाइप कर देना क्रिएटर स्टूडियो, और ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ से ही मैं सर्च करता हूँ, तो आप लोगों के पास जो क्रिएटर स्टूडियो का एप्लीकेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का जो लोगो था ये भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर ये पेज आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना। इस तरह स्क्रॉल डाउन कर देना, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेवलपर कॉन्टैक्ट, और उसके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो क्रिएटर स्टूडियो का जो ऑफिशियल ईमेल था वो आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप लोग जीमेल सेलेक्ट कर देना, तो ये जीमेल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। जीमेल पर रिडायरेक्ट हो जाने के बाद ऐसे इंटरफेस आते हैं, और यहाँ पर जो क्रिएटर स्टूडियो का ऑफिशियल ईमेल था वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना माय फेसबुक अकाउंट हैज बीन डिसेबल। तो चलो जल्दी मैं एंटर करता हूँ, और ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर ये भी मैंने एंटर कर दिया, और उसके बाद नीचे कवर ऑप्शन आते हैं कंपोज ईमेल, तो यहाँ पर आप लोग की एंटर करो, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इसके लिए मैं अपना मोबाइल में नोटपैड ओपन करता हूँ, और नोटपैड में मैंने अपील लगा दी, ये आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से ये अपील में कॉपी करता हूँ। हाँ जी, यहाँ से मैंने अपील कॉपी कर दिया, और उसके बाद दोबारा जीमेल वाला पेज ओपन करता हूँ, और फिर यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना। जी यहाँ पर मैंने अपील भी पेस्ट कर दिया। अपील पेश करने के बाद उसके आखिर में आप लोग अकाउंट का डिटेल भी एंटर करो, जैसे कि अकाउंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और अकाउंट का लिंक। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं अकाउंट का डिटेल एंटर करता हूँ, तब के लिए वीडियो रोक लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अकाउंट का डिटेल भी एंटर कर दिया, और उसके बाद ऊपर अटैच आइकन आते थे, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। और फिर आप लोग अपना गिल्ले से दो चीज अटैच करो, ठीक है। एक आप लोग अपना अकाउंट का जो डिसेबल इंटरफेस था वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर यहाँ पर आप लोग अटैच करो, ठीक है। और दूसरा आप लोग अपना अकाउंट का जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड था वो भी अटैच करो। तो चलो जल्दी यहाँ से मैं दोनों अटैच करता हूँ। आज यहाँ पर मैंने दोनों चीज अटैच कर दिया, इस अकाउंट का जो प्रूफ था वो भी अटैच कर दिया, और स्क्रीनशॉट भी मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से यह अपील आप लोग सेंड कर देना। तो चलिए साइकन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो पेज था वो डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आता है, इसका मतलब ये है कि अपील बिल्कुल सेंड हो चुका है। बस इतना काम करने के बाद आप लोग और कुछ नहीं करो, इंतजार कीजिए जब तक आप लोगों के पास इस ईमेल पर रिस्पांस नहीं मिलेगा। और वह रिस्पांस कब मिलेगा ये बात तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जब तक रिस्पांस नहीं मिलेगा तो इसी टाइम तक आप लोग जरूर वेट कीजिए। तो ये होगा आज की वीडियो, अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।